और रुक करते हैं खबर की ओर, जहां पर सीहोर में बिजली विभाग की मनमानी बदली, बढ़ते बिलों से परेशान आम लोग संशोधन के लिए अब बिजली विभाग के चक्कर काट रहे हैं। बिजली विभाग के चक्कर इसलिए भी काट रहे हैं क्योंकि लोगों के जो बिल हैं वो अधिकतर मामले देख रहे हैं कि वो अधिकतर आ रहे हैं। मामला सीहोर के बिजली विभाग का, विद्युत विभाग की मनमानी के चलते उपभोक्ता परेशान हैं। इतना ही नहीं, बिजली विभाग उपभोक्ताओं को मनमानी तरीके से बिल थमाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को अपना घर चलाना दूभर हो चुका है। कई उपभोक्ता के बिल पहले 300 रुपये तक आते हैं, तो वहीं अब लगभग 206,000 तक बिजली के बिल आ रहे हैं। उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि कई कई महीनों तक मीटर रीडर मीटर की रीडिंग लेने नहीं आता और हमें अनुमानित बिल भेजे जा रहे हैं और बिजली बिल में सुधार करने के लिए कोई भी विभाग का अधिकारी मौके पर नहीं आता। बिल बिल्कुल सही रीडिंग आती थी, 200 रुपये बिल आता था। इनने पता नहीं कैसे रीडिंग लिख के ले गया हमारा, एकदम ही 6,600 रुपये फेंक दिया था इनने। हमने उस टाइम से बिल नहीं भरा है, हमारा मीटर भी चेंज हो गया, मीटर में रीडिंग भी सही आई है कि हमारी, फिर भी हम आए हैं तो कल भी आए थे तो कहने लगा कि छुट्टी है कल। तो बिल की समस्या ये है कि पहला मेरा 200 रुपये बिल आता था, आज वो करीब 2,000 रुपये 3,000 रुपये बिल भेज रहे हैं। और जबकि घर के अंदर वही जो पहला लाइट जलती थी वही आज भी जल रही है, पर इनकी मनमानी कर रहा है। हम वहाँ पर भी गए, पावर हाउस भी गए थे, जो यहाँ पे अधिकारी हैं वो कहते हैं हमारी हम फाइल बनाकर हमने ऊपर भेज दी, तो पहला नीचे सेटलमेंट करते थे, अब ऊपर सेटलमेंट करना पड़ेगा क्या। वर्तमान में जो हमारी कंपनी ने जो भी कोई भी बिल करेक्शन किसी का होता है, मतलब कहीं से भी होगा किसी भी डीसी से, उस संबंधित उपभोक्ता को डीसी में अप्लाई करना पड़ेगा। डीसी से करेक्शन के लिए हमारे पास आएगा थ्रू प्रॉपर चैनल होते हैं डीन से और फिर एसी के पास, हम तुरंत अप्रूवल दे देते हैं। जैसे ही हमारे पास आए हम देखते हैं उसको कि ये डिनाइंग केस है या नहीं, हम उसको अगर ठीक है तो उसको अप्रूवल दे देते हैं।